बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज हम रमज़ान स्पेशल में बनाएंगे इफ्तारी और सहरी दोनों ही में काम आने वाली आलू कीमे की रेसिपी। देखिए, सालन तो हर कोई अपने तरीके से बनाता ही है, लेकिन आज आप हमारे तरीके से बनाकर देखें। इंशाल्लाह आलू कीमे का सालन खुशबूदार और टेस्टी बनकर तैयार होगा कि खाने वाले को मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए, कीमा आलू का सालन मैं किस तरह से बनाती हूँ देख लेते हैं। कीमा आलू बनाने के लिए यहाँ पर गैस पे मैंने एक कुकर रख दी, उसमें डालेंगे हम 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। तो ये मूंगफली का तेल है। मैं मटन या चिकन का सालन वगैरह बनाती हूँ तो मूंगफली का तेल लेती हूँ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। लेकिन आपके पास कोई भी तेल हो तो आप वो ले सकते हो। तेल गर्म हो गया है, कुछ खड़े गर्म मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 1 चम्मच है ज़ीरा और 7 से 8 है काली मिर्चें, 2 लौंग है, 2 तेज़पत्ता है, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 हरी इलायची। इसका मुंह हमने इस तरह से खोल लिया है ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खड़े मसाले को थोड़ा सा फ्राई करते तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। ये देखिए, खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो गए। अब इसमें डालेंगे हम प्याज। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक काटी हूँ। इसे अच्छा सा हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं इसमें 2 तरह से प्याज डालूंगी। तो पहले मैं बिरस्ते की तरह प्याज को फ्राई करके डालूंगी और बाद में जब डालूंगी तो वो आपको आगे बताऊंगी मैं। तो चम्मच चलाते हुए अच्छा सा सुनहरी होने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, तेज़ आंच पर मैंने चम्मच चलाते हुए प्याज को अच्छा सा गोल्डन होने तक फ्राई कर ली हूँ। इस तरह से जब प्याज फ्राई करके लेते हैं ना हम, तो हमारे सालन का कलर भी बहुत बढ़िया आता है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। अब इसमें डालेंगे हम कीमा। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मटन का कीमा ली हूँ। इसमें 2-3 हड्डी भी है, तो कीमे के साथ 2-3 हड्डी होती है तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये हाथ का किया हुआ कीमा है, आप चाहे तो मशीन का भी ले सकते हो, लेकिन हाथ का किया हुआ जो कीमा होता है उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे मिक्स कर देते हैं। साथ ही में हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर है 1.5 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पर देखिए, मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉपर में बारीक चॉप करके ली हूँ। इस तरह से बारीक बारीक हम प्याज को लेते हैं ना, तो ग्रेवी की तरह हो जाती है, मुँह में प्याज भी नहीं आती है और ग्रेवी बढ़िया बन जाती है। तो मैं आज 2 तरह से प्याज डाल रही हूँ। पहले तो प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करके ली और इस तरह से 2 प्याज को बारीक काट कर। यहाँ पर मैंने 1 टमाटर ली हूँ मीडियम साइज़ का, उसका छिलका निकाल ली हूँ। ये देखिए, और छोटे छोटे टुकड़े में मैंने काट ली हूँ। इससे भी छिलका निकालने से ग्रेवी बहुत अच्छी हो जाती है। आप चाहे तो टमाटर को पीस कर भी ले सकते हो। तेज़ आंच पर हमें अच्छी तरह से भून लेना है ताकि अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए इसमें और कीमा भी बहुत अच्छे से भून जाए हमारा इसमें। कीमे को इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि इसमें गांठे ना पड़े। 1 से 2 मिनट हो गए। अदरक लहसुन के साथ भी मैंने कीमे को भून ली हूँ। अब इसमें बाकी के सारे मसाले डाल देते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 2 चम्मच है कुटी हुई हरी मिर्चें। तो आगे हम कुटी हुई लाल मिर्च भी डालने वाले, तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। यहाँ पर थोड़े से मेरे पास पुदीने के पत्ते थे तो डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर है तो डालें वरना इसके बिना भी बना सकते हो। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे, इससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, सूखे मसाले भी डाल देते हैं। तो 2 चम्मच है धनिया पाउडर, यहाँ पर है 1 छोटा चम्मच जीरे का पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच है कुटी हुई लाल मिर्च। तो आप इसकी जगह पर लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हो। और नमक भी डाल देते हैं टेस्ट के मुताबिक। सभी चीज़ों को मिलाकर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे हम ताकि मसाले भी थोड़े से भून जाए कीमे के साथ। ये देखिए, तेल ऊपर आने तक मैंने मसाले को अच्छे से भून ली हूँ और अभी से माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी तो कीमा हमारा पूरी तरह से पका भी नहीं है, लेकिन हमने जो इसमें मूंगफली का तेल डाला है, पहले प्याज को बिरस्ते की तरह फ्राई करके लिया है, तो उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए, अभी हमें कीमे को यहाँ पर गलाना है, तो इसमें हम डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
तो यहाँ पर देखिए मैंने एक गिलास पानी डाल दी हूँ। आप अगर कीमा थोड़ा सा पतला पानी वाला खाना चाहते हो, रसे वाला, तो उस हिसाब से इसमें अभी पानी डाल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला कीमा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा लुतपुता हो भुने टाइप का उस तरह से बना रही हूँ। तो एक गिलास मैंने पानी डाल दी हूँ। अब इसे हम ढककर मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटियाँ लगा लेंगे। ये मटन का कीमा है तो जल्दी गल जाएगा। अगर आप बड़े का गोश्त ले रहे हो तो आपने थोड़ी सी सीटियाँ ज़्यादा लगा लेना। यहाँ पर 4 से 5 सीटियाँ मीडियम फ्लेम पर हो गई है और कुकर का सारा प्रेशर निकल चुका है। हम चेक कर लेते हैं। मैं फिर से एक बार गैस चालू कर देती हूँ क्योंकि इसमें अभी हमें आलू डालना है। तो उससे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच यहाँ पर कसूरी मेथी, 3 हरी मिर्च ली हूँ मैंने, इसे बीच में से काट ली हूँ, और यहाँ पर देखिए 2 मीडियम साइज़ के आलू है, इसका छिलका निकाल कर मैंने इस तरह से छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। आलू और कीमे का कॉम्बिनेशन साथ में बहुत ही बढ़िया लगता है, तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा। इफ्तारी के लिए भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप इसे इफ्तारी में बना कर रख लोगे तो सहरी में सुबह भी काम लग जाएगा। तो इस तरह से फटाफट कुकर में बन जाता है। यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से कीमे के साथ आलू को भून लेते हैं। यहाँ पर कीमे के साथ मैंने आलू को भी अच्छे से भून ली हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। अब हमें आलू को गलने के लिए रखना है। तो देखिए यहाँ पर पानी पूरी तरह से सूख चुका है। तो आप अगर ग्रेवी वाला खाना पसंद करते हो तो इस टाइम पर भी पानी डाल सकते हो। तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि आलू गल जाए और ये हमें मसाले वाला और सूखा सूखा लुतपुता सा जिस तरह से ग्रेवी वाला होता है ना, उस तरह से कीमा चाहिए। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं, बस 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें पानी डाल दी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाली हूँ, ये देख सकते हो आप। अगर आप पतला खाना चाहते हो तो अपने हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हो। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे हम और मीडियम फ्लेम पर बस 1 ही सीटी लेना है, उसमें आलू हमारे अच्छे से गल जाएंगे क्योंकि कीमा तो पूरी तरह से गल चुका है। यहाँ पर कुकर की 1 सीटी हो गई थी तो मैंने गैस बंद कर दी थी और सारा प्रेशर निकल चुका है। हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह देखिए, आलू को भी चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और कीमा देख सकते हो आप कि कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। बस इसी तरह से हमें थोड़ा सा लुतपुता सा ये कीमा बनाना था। तो यहाँ पर ये गर्मा गर्म आलू और कीमा हमारा बनके तैयार हो चुका है। बारीक कटा ऊपर से हरा धनिया डाल देते। आप इसे गेहूँ की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी या फिर तंदूरी रोटी, किसी की भी रोटी के साथ खा सकते हो। तो चलिए गर्मा गर्म हम कीमा आलू को डिश आउट कर लेते हैं।